दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और एक नए चैप्टर के साथ आज हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है उद्योग, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी चैप्टर यही है। यही वो चैप्टर है दोस्तों जिसमें आप सभी को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कौन कौन सा उद्योग पढ़ा जाए, किसमें कितने डिटेल से बातें की जाए, कहाँ क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी डाउट आप सबको क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखते हैं तो। ठीक है, याद रखें, वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी का हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है 60 लेक्चर कवर कर लिया था, आज आपके सामने 61वां लेक्चर आने जा रहा है जिसमें हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर उद्योग की बात आती है तो आपको पता होगा कि आजादी के बाद जाकर के इसके लिए पॉलिसीज तैयार किया गया। सबसे पहली जो पॉलिसी आई थी वो 1948 में आई थी, फिर वापस से चल के 1956 में एक दूसरी पॉलिसी आई। सबसे फेमस जो रहा है 1991 में आया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो आई थी। तो इन सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे। यहां पर आप इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज है पहले जो सबसे पहले उद्योग मंत्री थे, ठीक है, उनका इमेज है, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। तो याद रखिए इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने क्या किया था उस समय। ठीक है, तो बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक टॉपिक और भी आपको पढ़ाने वाला हूं, औद्योगिक स्थानीकरण क्या होता है। ठीक है, औद्योगिक स्थानीकरण के तहत आप देखेंगे कैसे ये समझा, जैसे आप अभी क्या करते हो, रटते हो कि भाई कौन सी इंडस्ट्री कहां है, आप जगह का नाम क्या करते हो, रटने में लगे रहते हो, जबकि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप समझ गए औद्योगिक स्थानीकरण के बारे में तो फिर आपको अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री कहां पर हो सकती है, ये आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, और बहुत बड़े एक भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था वेबर। ठीक है, तो वेबर जी के कुछ सिद्धांत थे, उनके सिद्धांतों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब आज का ये लेक्चर बड़ा ही मजेदार होने वाला, तो सीधे चलता हूं अपने टॉपिक के पास और आपको बताता हूं इसके बारे में। एक बात और याद रखें, अगर आप चाहते हैं इस तरह के सिस्टमैटिक वीडियोज आपको मिलते रहे, ये पूरी की पूरी क्लास निःशुल्क है, घर बैठे आप आराम से इत्मीनान से हर एक विषय को पढ़ सकते हैं और आप अपने एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड करना है स्टडी 91 के एप्लीकेशन को, क्योंकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी पढ़ाई और भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि यहां पर जो वीडियोस दिए गए हैं वो दो सेगमेंट में दिए गए हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्लास, दूसरा एग्जाम वाइज वीडियो क्लास। मतलब अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए तो भी आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ इस एप्लीकेशन पे दिया गया है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को और ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात सिंपल सी करेंगे, आज हमारा पहला लेक्चर है तो मैं बहुत ज्यादा हाईफाई बातें नहीं करूंगा, बस बेसिक बेसिक बातें ही बताऊंगा आपको, लेकिन आपके जाने की जरूरत नहीं, आप बने रहिए चैनल पर और आराम से वीडियोज को देखते रहिए। सच, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर मैं उद्योग या इंडस्ट्री की बात करूं तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में उद्योग जो था वो केवल आजादी के बाद ही आया? नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर आजादी के बाद नहीं, जब अंग्रेज थे उस समय भी उद्योग था। अच्छा, ऐसा है क्या कि जब अंग्रेज थे तभी हमारे देश में उद्योग था, उसके पहले कोई उद्योग के बारे में नहीं जानता था, कोई इंडस्ट्री वगैरह हमारे देश में नहीं थी? ऐसा नहीं है। अगर हम उद्योग की बात करें तो प्राचीन काल में भी देखेंगे ना तो भी भारत जो है अपने सामानों के लिए बड़ा ही विश्व प्रसिद्ध था। जैसे जैसे सर वो कौन सा सामान है जो लोग जो है भारत से खरीदना चाहते थे? दोस्तों आपने पुर्तगाल के समय में मसालों का नाम सुना होगा कि जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो भारत से मसाले खरीदने आए थे, उन मसालों में खास करके काली मिर्च हुआ करती थी, और भी बहुत सारे मसाले थे जो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, वो उन लोगों को चाहिए होता था, उसके लिए कई गुना दाम देकर जाते थे और हमारे यहां से मसाले लेकर जाते थे। ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है, जब यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ जिसमें पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे, तब ये सारी चीजें आई। अगर हम उसके भी पहले चले जाएं तो दोस्तों हमारे देश का मलमल, आपने गाना सुना होगा मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो मलमल भारत का बड़ा फेमस था। मलमल और रेशमी वस्त्र जो थे दोस्तों ये इतने फेमस थे कि आप नट बोल्ट जानते हैं ना, नट और बोल्ट, ठीक है, तो जो बोल्ट होता है उसमें जो छिद्र होता है कितना छोटा होता है, आप समझ लो कहा जाता था ऐसा कि पूरे के पूरे चद्दर को उस नट बोल्ट के अंदर से खींच करके बाहर निकाल दिया जाता था। सोचो इतना मुलायम होता था उसका कपड़ा, इतना मुलायम होता था कि इतने छोटे से छिद्र से वो कपड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक पार से
दूसरे पार तक वो चला जाता था। इतना बेहतरीन क्वालिटी का मलमल हमारे देश में बनता था। आपने बुजुर्गों के मुंह से ये सब कहानियां सुनी होंगी। वो सब कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो रियल थी। ठीक है, यानी प्राचीन काल से ही भारत में बहुत सारे चीजों का व्यापार होता रहा है और अब तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको लेके चलता हूं बताने के लिए। करा प्राचीन काल में भारत अपने कुटीर उद्योगों के लिए, देखिए उद्योग में भी कई तरह के उद्योग होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बड़े उद्योग जो होते हैं वो तो अपने जगह है, एक मध्यम उद्योग होता है, एक उससे भी छोटा होता है छोटा उद्योग, एक होता है कुटीर उद्योग, एक होता है हस्तशिल्प उद्योग जो हाथ से लोग गांव में बनाते। जैसे बीड़ी क्या है, बीड़ी बनाते हैं ना गांव में, अगरबत्ती बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, माचिस बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती है हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत आता है। कुरई हो गया, बेना हो गया, ये सब आते हैं। तो याद रखेगा यहां पर जरा वर्तनी सुधार कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में आ जाइए। शिल्प ऐसे नहीं लिखा होता, शिल्प में बड़ा सा होता है और आधा ल और प। ठीक है, तो ये होता है शिल्प। करा कुटीर उद्योगों, शिल्पों तथा वाणिज्यिक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राचीन काल से ही भारत इन सभी चीजों के लिए फेमस रहा है। करा भारतीय मलमल, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती छपे हुए वस्त्र, आपने देखा होगा लोथल से जो है सूती छपे हुए वस्त्रों के प्रमाण मिले। हाँ, लोथल कहाँ? अरे वही भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल है गुजरात का। ठीक है, तो याद रखेगा वहां से इस तरह के वस्त्र मिले। इसका मतलब प्राचीन समय में लोग इस वस्त्रों के बारे में जानते थे। करा कलात्मक वस्तुएं, बहुत सारी जो है टेराकोटा की चीजें मिली है ना आपको। ठीक है, तो याद रखें बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं भी भारत की जो थी वो विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी। इनकी वर्ल्ड में अनेक देशों के द्वारा बड़ी डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, करा किंतु इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति में भारत के परंपरागत हस्तशिल्पों पर कठोर प्रहार किया। जब ये अंग्रेज आए ना, पहले तो मसाले खरीदने के लिए आए, हमसे व्यापार करने के लिए आए। धीरे धीरे जब वो देखें कि हमारे अपने लोगों में एकजुटता नहीं है, एकता नहीं है, धीरे धीरे वो हमारी संस्कृति को समझने लगे और कैसे भी करके हमारे ऊपर हावी होना उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया और हो भी गए। इस तरह से भारत जो है वो कई सालों तक जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़ चुका था। ठीक है, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, बाद में व्यापार को अपने अंडर में लेते हुए भारत से कच्चे माल को लेके जाते थे अपने देश में, वहां से फिनिश गुड बनाते थे, तैयार माल बनाते थे। ठीक है, और उसको वापस से भारत में लेके आते थे और फिर हमारे इसी बाजार में बेच दिया करते थे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जो हमारे देश के उद्योग थे छोटे छोटे, वो कॉम्पिटिशन में उनके जो है कंपीट नहीं कर पाए और प्रतियोगिता में हमसे आगे निकल गए, क्योंकि उनके जो सामान थे वो मशीनों से बने, हमारे सामान थे, हम उतना ज्यादा प्रोडक्शन में माहिर नहीं थे क्योंकि हम हाथों से काम किया करते थे, वो मशीनों से काम किया करते थे। इस तरीके से धीरे 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 करते धीरे धीरे उन्होंने भारत के समस्त हस्तशिल्प उद्योग का नाश कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे लिख रहा है ब्रिटिश शासकों के निर्मित सामान को आयात करने तथा कच्चे माल को भारत से निर्यात करने की जो प्रोत्साहित करने वाली नीति थी उसने ही यह सभी तरह के उद्योगों का विनाश किया है। जी हां दोस्तों, भारत, अच्छा आप सोचिए भारत से ही कच्चा माल ले जाकर, भारत से नील लेते थे, भारत से कपास की खेती करवाते थे और ये सारा आइटम लेकर अपने देश में जाते थे, वहां पर जो फैक्ट्री होती थी उस फैक्ट्री से इसको जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट कराते थे और वापस इसी भारतीय बाजार में आकर के बेच दिया करते थे। ठीक है, वो भी जबरदस्ती मुंह मांगे दामों पर बेच दिया करते थे। इस तरह से जो हमारे देश का उद्योग था वो जो है समाप्त हो गया। कर भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत सन 1853 में, दोस्तों आपको भूलने की बात नहीं है, 1853 वही साल है जिस साल पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी और रेल चलाई गई थी। मुंबई में ठाणे से रेल चलाई गई थी, आप सभी को याद है। ठीक है, उस समय डलहौजी क्या था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखेगा ये मुंबई से ठाणे, तो वही साल है 1853। कर 1853 में सबसे पहले चारकोल पर आधार एक लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किया गया। क्या? प्रथम लौह प्रगलन संयंत्र। ठीक है, यानी जहां लोहे को गला करके, ठीक है, अनेक रूपों में उसको जो है तब्दील किया जाएगा। तो वही चीजें हो गया, एक लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई। कब? 1853 में। अब तो नहीं भूलोगे ना यार, देखो जब आप जो है कनेक्ट करके याद करते हैं ना आपको सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिए। लेकिन ये जो इंडस्ट्री बनाई गई, जो भारत की पहली इंडस्ट्री थी, वो क्या हो गई? फ्लॉप हो गई, यानी असफल हो गई। बाद में तुरंत अगले ही साल 1854 में
प्रथम सफल प्रयास के रूप में सबसे पहले कावसजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल उद्योग की स्थापना की। पहली वाली जो इंडस्ट्री लगाई गई थी वो लौह इस्पात केंद्र था, आप समझ सकते हैं ऐसे लौह इस्पात संयंत्र था। दूसरी वाली जो 1854 में लगाई गई वो मुंबई में लगाई गई, ठीक है याद रखे। और वह क्या था दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा वह सूती मिल का कारखाना था वस्त्र बनाने के लिए, ठीक है तो याद रखेगा 1854 में। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में, जो पहले जो है क्या थे उद्योग मंत्री थे भारत के। तो याद रखिएगा जब हमारा देश आजाद हो गया 47 में, तो 1948 में इन्हीं के द्वारा सबसे पहले लाई गई थी प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है तो उसके बारे में भी देखा जाएगा। लिख रहा है कि पहली मिल 1854 में सफल प्रयासों के साथ बनकर तैयार हो गई। फिर उसके जस्ट अगले साल 1855 में, देखो 1853 1854 1855 सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक एक साल पे चीजें हो रहा है। 1855 में कोलकाता के पास रिसरा ठीक है रिसरा में एक जूट मिल की स्थापना की गई। जूट मिल जानते ना, वैसे भी जूट के उत्पादन में सबसे पहला स्थान पूरे भारत में कौन रखता है, पश्चिम बंगाल रखता है, आप सभी को पता होगा भाई। जूट जानते ना जिससे रस्सी वगैरह बनती है, अभी हम लोग पिछले चैप्टर में ये चीजें आपको पढ़ाई गई थी भाई। जूट के उत्पादन में कौन से राज्य का पहला स्थान है, तो उत्तर था पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, तो याद रखिएगा। कल एक जूट मिल की स्थापना की गई भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जूट मिल की स्थापना कोलकाता में ही क्यों किया गया, क्यों ना दिल्ली में कर दिया गया, नोएडा में क्यों नहीं कर दिया गया, हरियाणा में क्यों कर दिया गया। अब एक कॉमन सी बात बताओ दोस्तों, यार जहां पर जूट का उत्पादन होता है, जहां पर जूट की अधिकता है, वहां पर जूट मिल बनाना अच्छा होगा कि हम दिल्ली चले जाएं बनाने, आप अपने मन से बताओ, इसमें कोई टफ काम नहीं है। आप तो क्या कहोगे कि हां जहां पर सर अवेलेबिलिटी है जिस चीज की वहां पर उद्योग बनाया जाए, तो आप बताओ जूट मिल कहां पर रहेगा। ये तो कॉमन सेंस के लोग रटते हैं। अब जिनको यही नहीं पता है कि जूट के उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है, क्या वो बच्चा कभी याद कर सकता है कि पश्चिम बंगाल में जूट मिल के बहुत सारे कारखाने होंगे, कभी नहीं याद कर सकता। और यही आपको सीखना है, ये उद्योग चैप्टर जो है ये आपस में बहुत सारे टॉपिक को कनेक्ट करने वाला, और मैं एक एक टॉपिक को आपके सामने लाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कराए कि इसके साथ ही साथ भारत में आधुनिक उद्योगों का फिर जो है अभी स्टार्टिंग हुआ, वो भी प्रारंभ हुआ। करा स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा सबसे पहले 6 अप्रैल 1948 को किया गया। 6 अप्रैल 1948 देश की आजादी के ठीक बाद पहली औद्योगिक नीति बनाएगी। अच्छा इस औद्योगिक नीति में क्या किया गया होगा, भाई देश को आजादी मिल गई थी, अब अंग्रेज तो थे नहीं, तो अब हमें नीतियां बनाने की जरूरत थी कि किस तरह से हम क्या बनाएं, कारखाना किस चीज का लगाया जाए। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका यह मानना था कि ये जो उद्योग होते हैं यही भारत का मंदिर है, ऐसा वो कथन कहते थे कि उद्योग ही भारत के मंदिर हैं, क्योंकि इन उद्योगों को अगर स्थापित किया जाएगा तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये उद्योग अगर भारी उद्योग वाले होंगे तो इन उद्योगों से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 उद्योग और पनपेंगे, इस तरह से भारत जो है इसका गढ़ हो जाएगा, इसीलिए उनको मंदिर की संज्ञा दिया था। करा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा सबसे पहले योजना प्रस्तुत की गई, यह नीति प्रस्तुत की गई। करा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का बंटवारा करने वाली इस नीति को मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो है एक नींव रखी गई, ठीक है यह आगे चल के रखा जाता है। करा बाद में समाजवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, अच्छा आपको पता ना तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है, आपको पढ़ाया गया होगा इकोनॉमिक्स में, आपको ध्यान भी आ रहा होगा। एक अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा नियंत्रण पूंजीवादियों के हाथ में आता है, जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके हाथ में होता है। जैसे अगर अमेरिका की इकोनॉमी की बात कर दूं तो अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां पर ढेर सारे पूंजीपति लोग हैं, तो उनके द्वारा यह पूरी अर्थव्यवस्था नियंत्रित की जाती है। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको सोशल इकोनॉमी कहते हैं, जैसे चीन की इकोनॉमी जो वो सोशल इकोनॉमी है, इसमें क्या होता है पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में सारी चीजें होती, सब कुछ नीतियां बनाना वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो जो चाइना में केंद्र सरकार है दोस्तों वो सभी के सभी तरह के नियंत्रण करती है, और भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर आया भारत, कि ना तो हम ज्यादा केंद्र को केंद्र के पास जो अथॉरिटी देंगे, न तो बहुत ज्यादा हम पूंजीपतियों के हाथ में देंगे, हम दोनों का एक मिला जुला रूप लेकर चलेंगे, ठीक है यानी एक बैलेंस की बात की गई। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे सामने आता है, तो भारत की इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली इकोनॉमी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर आगे चल के समाजवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्यों ध्यान में रखना, इसलिए ध्यान में रखना क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम लेवल पर क्या किया
देखा जाए, समाज के फायदे को देखा जाए, जो समाज के लिए हितकारी हो वो डिसीजन लिया जाए। जबकि पूंजीपतियों की बात करेंगे तो पूंजीपति तो अपने कंपनी का प्रॉफिट देखेगा ना, ठीक है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा तो समाज की प्रॉफिट देखेगा, समाज यानी लोगों का प्रॉफिट कैसे हो, हमारे देश का भला कैसे हो, उसके बारे में सोचेगा। तो लेकिन अब बाद में समाजवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाज के हित के लिए 1948 को जो औद्योगिक नीति थी उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए और 30 अप्रैल 1956 को द्वितीय औद्योगिक नीति को लाया गया। पहली औद्योगिक नीति 1948 में और द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में लाया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। इसके बाद छोटा छोटा कई बार अमेंडमेंट भी होता है, लेकिन आगे चल के दोस्तों जो सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है वो मिलता है 1991 में, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी पॉलिसी बदल दी जाती है। ठीक है, पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री थी उस समय, और उन्हीं के द्वारा ये सारा सिस्टम लाके दिखा दिया गया था। ठीक है, तो उसमें मैं भी आपको बताऊंगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हम लोग चर्चा करते हैं। खैर ये सब जो है इकोनॉमिक्स का विषय है, बट यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत चर्चा आपसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, उसमें बहुत कुछ चेंजेस किया गया। लिख रहा, उद्योगों को सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ये तो 1956 के तहत किया गया था। आगे लिख रहा है, इसी प्रकार 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा व्यापक परिवर्तन करते हुए नई औद्योगिक नीति लाई गई, जिससे भारत की विकास की दर और तेजी से बढ़ गई। उसके बाद दोस्तों जो भारत में असली विकास हुआ, बहुत तेजी से भारत में बदला हुआ 1991 के बाद से। करें नई औद्योगिक नीति, पहले सुन लीजिए, अभी मैं पढ़ा देता हूं आपको और अच्छे से। करें नई औद्योगिक नीति का मूल उद्देश्य अधिक प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू पर्यावरण को बनाना था, जबकि व्यापार नीति का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में सुधार करना था। तभी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने घर विदेश तथा देश निजी निवेश के लिए खोल दिया। सुनते जाइए, पहले एक बार ऐसे करके बता दे, अच्छा सुन लीजिए, मैं आपको बताई दे रहा हूं। दोस्तों जब हमारे देश 1947 में आजाद हुआ तो हमें बड़ा डर था कि कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में ना आ जाए। यार अभी अभी विदेशी कंपनी के चुंगल से हमारा देश लगभग 300 साल बाद जाकर के उभरा था, बाहर निकला था। अब फिर से क्या हम कभी सोच सकते थे कि कोई विदेशी कंपनी आकर हमारे ऊपर जो है हमारे देश में कंपनी खोले या कोई भी काम करे? ना ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी अगला जो हमारा टाइम था, आगे जो है 40-45 साल का जो समय बीता, 43-44 साल का समय बीता, वो हम लोगों ने अपने हिसाब से जो भी बेस्ट करना चाहे, चाहे जो भी प्रधानमंत्री आए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू आए हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, इन सभी लोगों ने मिलकर अपने हिसाब से जो है देश को कैसे प्रगति के रास्ते पर लाया जा सकता है, कैसे जो है प्रगति किया जा सकता है, उसके बारे में इन्होंने काम किया। लेकिन 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें क्या किया गया, अपने चीजों में परिवर्तन लाया गया। दोस्तों इसके पहले हमारे यहाँ एक पॉलिसी हुआ करती थी LQP, क्या बोलते थे, LQP। LQP पॉलिसी के तहत L माने होता है लाइसेंसिंग, Q माने होता है कोटा, और P माने होता है परमिट। यानी हर उद्योग के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती थी, आपको बिना लाइसेंस के आप कोई काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कहीं कोई गलत ना कर जाए। ठीक है, तो लाइसेंसिंग था, कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट कोटा भी निर्धारित कर दी थी कि भाई ये चीजें गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट कोटा जिसको देगी केवल वही व्यक्ति उस व्यापार से जुड़ सकता है। इसी तरह से परमिशन भी लेना होता था आपको, छोटे छोटे कार्यों के लिए भी भारत सरकार से बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते थे। ऐसे में जो विकास होना चाहिए जितनी तेजी से वो उतने तेजी से नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये सारी थी। बाद में 1991 में जो परिवर्तन आया वो इसी LQP को ही बदल दिया गया, इसको लगाया गया, इसका नाम बदल कर रख दिया गया LPG। L माने हो जाता है लिबरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं उदारीकरण। यानी सरकार ने क्या किया, उदारीकरण की व्यवस्था लाई। उदारीकरण मतलब उदार हो जाना, भाई आप काम करो, उदार हो जाना, मतलब इतना छूट देना कि लोगों को डर ना लगे, कोई बिजनेस करने से डर ना लगे, तो उदारीकरण आया। LPP माने प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण को लाई सरकार। ठीक है, निजीकरण मतलब हर चीजों में निजीकरण लाया गया ताकि प्राइवेट संस्थान भी आगे बढ़ सके और वो जम करके काम कर सके। ठीक है, आप आज के जमाने में सोचो, अगर प्राइवेट स्कूल ना होते तो क्या सरकारी स्कूलों के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जा सकता था? नहीं, काफी हद तक जो है मुश्किल होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान मिलता है अगर सरकारी के साथ साथ प्राइवेट चीजें भी लगी हुई हैं। आप सोचो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ना होता तो क्या यह संभव है कि सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से सभी व्यक्तियों का प्रॉपर इलाज हो पाता? नहीं हो पाता। आप जो मैं सोच रहा हूं वो आप सोचो, ठीक है, वो आप सोचो, तो नहीं हो पाता। इसका मतलब बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है,
इसी तरह से दोस्तों भारत सरकार लेके आई प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लोग आगे बढ़ना चाहते थे, जो उद्यमी जिनके मन में कुछ था, वो अपना बेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। और लास्ट में जी, जी माने होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने होता है वैश्वीकरण। क्या होता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वैश्वीकरण में क्या हुआ दोस्तों कि जो बाहरी कंपनियां, जो विदेशी हैं, वो भी भारत में आके व्यापार कर सकती हैं, और जो हमारे देश की कंपनियां वो भी विदेश में जाके व्यापार कर सकती हैं। तो एक तरह से जो भारत के चारों तरफ एक ताला लगा था, वो ताला अब खुल गया। और जब ताला खुल गया तो विदेशी कंपनियां आनी शुरू हो गई, और जब विदेशी कंपनियां आनी शुरू हो गई तो हमारे देश में जो बहुत कुछ बदलाव हुआ, वही चीजें यहां पर दे रहा है। करें और यहां पर दिख रहा है ना कि यहां पर देखिए, यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में सुधार करना था, तभी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने घर में विदेशी तथा देशी निजी निवेश के लिए द्वार जो है खोल दिया। लिख रहा है, अच्छा बड़ा कठिन लाइन होता है, ठीक है, जो किताबी लाइनें होती बड़ा कठिन होता है। आज मेरे पास थोड़ा समय नहीं था ना, तो मैं अपने भाषा में आपको बताता, मेरी भाषा तो आपको समझ में आ रही होगी ना, कैसे समझना है ये आप जानो, ठीक है। कह रहा है औद्योगिक विकास की धीमी गति। अच्छा 1991 के पहले अगर आप देखेंगे तो जो औद्योगिक विकास चल रहा था उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीरे थी, उससे जो गति थी वो थोड़ी धीमी थी। 1991 के बाद आप देखेंगे एकाएक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। कह रहा है अधिक बेरोजगारी, औद्योगिक उग्रता, यानी जो पुराने उद्योग थे वो भी धीरे धीरे सिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब बहुत सारी कमियां थी, वो कमियां दूर नहीं हो पा रही थी। या आप कल उसे पुराने समय में बिजनेस लग गया, कोई प्लांट बैठा दिया गया, बाद में उस प्लांट को ठीक ढंग से पैसा नहीं मिल पा रहा या अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो कैसे नए नए मशीनरी लगा पाएगा, तो धीरे धीरे वो रुग्ण होता चला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कर महंगाई तथा विदेशी मुद्रा विनिमय के संकट से निजात पाने के उद्देश्य से 1991 में, ठीक है, जुलाई में, 24 जुलाई 1991 को यह न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, नई औद्योगिक नीति लाई गई, ठीक है। करा उसी से लाइसेंसिंग प्रक्रिया वगैरह को और ज्यादा उदार बनाया गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, एक है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, ध्यान दीजिए, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। मैं एक बार हिंदी में नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, याद रखिए, लिबरलाइजेशन, लिबरल माने होता है उदार। क्या होता है? लिबरल माने होता है उदार, ठीक है। तो याद रखिए, उदारीकरण इसको बोला जाता है, उदारीकरण, ठीक है, इसको बोला जाता है निजीकरण। क्या बोलते हैं? निजीकरण, हम ही गलत लिख रहे हैं क्या, बताएं, ऐसे लिखाएगा, ठीक है, निजीकरण, ठीक है। और उसके बाद इसको बोला जाता है वैश्वीकरण, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये तीन था। ये चेंज कैसे हुआ था? तो पहले इसको बोलते थे एल, एल माने होता था लाइसेंसिंग, यहां पे होता था कोटा, यहां पर होता था परमिट। तो याद रखिएगा, इस तरह से चीजें हुआ करती थी। तो 1991 के बाद बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का वैसे टॉपिक अलग है, ये इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में आता है, आप जाकर देख सकते हैं। हमें इंडियन ज्योग्राफी के सेगमेंट में बात करना है, तो धीरे से हम लोग अपने जो है चैप्टर पे आ जाते हैं। आगे देखिए, अब बताता हूं मैं उद्योग क्या होता है। आपके मन में होगा सर उद्योग क्या होता है, बार बार उद्योग उद्योग सुनते हैं। अच्छा, ज्यादातर बच्चे को यही नहीं पता कि इंडस्ट्री कहते किसे हैं, इंडस्ट्री कहते किसे हैं। अब आज आप जान जाइएगा इंडस्ट्री किसे कहते हैं, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि सर इंडस्ट्री क्या होता है। कह रहा उद्योग से तात्पर्य एक ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से होता है। कैसी? एक ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से होता है जिनका संबंध वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन से है। वस्तुओं ऐसे, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, अब हमें देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं और इसको आप तक पहुंचाते हैं, तो ये सेवा है एक तरह का। क्या है? सेवा। सेवा को सर्विस कहा जाता है। अच्छा, जो लोग ये बोर्ड बनाते होंगे, ये बोर्ड जो इंटरेक्टिव बोर्ड आप देख रहे हैं, लोग जो बोर्ड बनाते होंगे, इनका प्रोडक्शन होता है, यानी ये एक वस्तु है ना, ये क्या है? वस्तु। तो यहां पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, हम सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। आप समझो, ये वस्तु बनी, इस वस्तु से हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। ये कैमरा बना, कैमरा एक वस्तु है। ये माइक बना, माइक क्या? एक वस्तु है, ठीक है। तो ये क्या बना? ये वस्तु है, और उससे क्या हो रहा है? ये तो वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जो हम कार्य कर रहे हैं वो सेवाओं का उत्पादन है। तो कह रहा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और उनके संवर्धन से होता है। किसका तात्पर्य? उसी को इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन एक लाइन का शब्द इसमें और जोड़ने की आवश्यकता है। कह रहा सामान्य शब्दों में कहें तो जब एक समान वस्तुओं के उत्पादन में हम अकेले करेंगे तो नहीं कहलाएगा इंडस्ट्री। कह रहा अच्छा, आपको अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक सेवा दे रहा हूं, क्या मैं इंडस्ट्री हूं? नहीं, मैं इंडस्ट्री नहीं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता हूं, लेकिन मैं इंडस्ट्री अभी नहीं। इंडस्ट्री कोई चीज कब कहलाती है? लिख रहा है कि जब एक समान वस्तुओं का, जब एक समान वस्तुओं का, अगर मैं आपसे एग्जांपल ले लूं, ठीक है, एक 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 जो है टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लेता हूं। आप टूथपेस्ट का नाम लेते ही आपके सामने बहुत सारे फिगर आ जाते होंगे। चलो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, दंतकांति है, ठीक है, तमाम इस तरह के अलग अलग कंपनी है, ठीक है। अब अलग अलग कंपनियों के द्वारा तमाम तरह के टूथपेस्ट बनाए जाते हैं। या मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो नोकिया है, सैमसंग है, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, बहुत सारे हैं इस तरह के सेट। तो इस तरह के बहुत सारे सेट है, तो ये अलग अलग कंपनियां हैं। यहां पर लिख रहा है कि जब एक समान
वस्तुओं का उत्पादन, मतलब अगर मोबाइल की बात करें तो केवल मोबाइल की, अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो केवल ऑटोमोबाइल, अगर मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो कंपनियां हैं केवल उनकी बात करिए आप, केवल उनकी बात करिए, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिख रहा है कि एक समान वस्तुओं के उत्पादन में जब अनेक फर्म लगी होती, फर्म माने अनेक बिजनेस, अनेक फर्म माने एक एक कंपनियां, अनेक कंपनियां लगी होती हैं तो ये सभी कंपनियां मिलकर, ये सभी फर्म मिलकर उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्योग। यानी इन सबको मिला देंगे तब इसको उद्योग कहा जाता है। तभी हम लोग बोलते हैं लौह इस्पात उद्योग, क्या बोलते हैं, उसके अंदर जितनी भी लोहे से और इस्पात से संबंधित कंपनियां सब आ जाती हैं। अगर मैं बोला ऑटोमोबाइल उद्योग तो आपको अलग से नहीं बताना कि होंडा की कार आती है, हुंडई की कार आती है, टाटा है, महिंद्रा, ये आपको नहीं बोलना है। जैसे मैंने ऑटोमोबाइल उद्योग की बात कर दिया, ये सभी कंपनियां उसके अंतर्गत आ गई। समझ में आया? आज के बाद समझ लेना, जब एक ही तरीके की बहुत सारी कंपनियां उनको एक उद्योग में रखा जाता है, ठीक है। लिख रहा उदाहरण, करा मोबाइल के क्षेत्र में वीवो रेडमी फला फला फला, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में टाटा हो गया, मारुति हो गया, होंडा हो गया, हुंडई हो गया, ये सब आ गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिख रहा उद्योगों का स्थानीकरण, उद्योगों का स्थानीकरण कई प्रकार के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। ये भाई स्थानीकरण क्या होता है? छोड़ो यार, आप मत देखो। अगर मैं कहूं कि चलो आज काम करते हैं ना, आज हम लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, एक इंडस्ट्री बनाते हैं, इंडस्ट्री तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम भी बनाएंगे, आप भी बनाओगे, और जो और लोग भी वीडियोज देख रहे हैं, सब लोग मिलकर के इंडस्ट्री बनाते हैं। तो अगर हम लोग मिलकर एक इंडस्ट्री बनाते हैं, मतलब एक ही क्षेत्र में काम करने जाते हैं, तो इंडस्ट्री तो बनी जाएगी ना। तो याद रखें, अगर हम लोग को एक इंडस्ट्री बनाना है तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, जो हमारे लिए कच्चा माल होता है, जो हमारे लिए रॉ मटेरियल है, वो पहले हमको चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वीडियो क्लास बनाता हूं तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगी। अगर ये वीडियो मैं गांव से बनाऊंगा तो क्या वहां पर प्रॉपर इंटरनेट मिल पाएगा? नहीं सर, थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा तो हमें क्लास बनाने में भी मुश्किल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वहां पर बिजली की भी समस्या होती है। तो ये बिजली की समस्या होगी तो फिर क्लास कैसे बन पाएगी? हाँ सर, मुश्किल होगा, ठीक है। और अगर इतना मुश्किल आ जाएगा, इसका मतलब काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हम अपना बिजनेस कहां करेंगे? हमारी जो क्लास है ये हमें किसी न किसी प्रकार के शहर में रखना पड़ेगा। क्यों? शहर में किसी ऐसे प्लेस पर रखना पड़ेगा जो हमारे लिए नीड वाली चीजें हैं, जैसे इंटरनेट हमारे लिए नीड है, हमारे लिए बिजली सही समय पर आती रहे पूरे अच्छे तरीके से, वो हमारी नीड है, ठीक है। तो जहां पर हमारी नीड पूरी होगी हम वहीं पर जाकर के बिजनेस करेंगे। यही उद्योगों का स्थानीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यही उद्योगों का स्थानीयकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लो जैसे एक ईंट भट्टे की बात कर लें, ईंट भट्टा जहां पर ईंट बनता है उसको शहर के बीचों बीच बना दिया। बताओ शहर के बीचों बीच बना दोगे तो ईंट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कैसे लेकर आओगे? हाँ, या फिर ईंट बनाने के बाद जो उसको सूखने के लिए रखना पड़ता है तो कहाँ रखोगे, कितना जगह शहर में रखोगे, एक्वायर करोगे? नहीं कर पाओगे। यानी हमें किसी ऐसे क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में जाना पड़ेगा। समझो, कुछ है नहीं। ये औद्योगिक स्थानीकरण जो है शब्द, ये अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट शब्द है, क्योंकि बहुत कुछ है समेटे हुए। अभी आप इसको हल्के में ले रहे हो, कल वाले लेक्चर में जब मैं आपको बताऊंगा ना थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर की बात, आप नहीं पढ़े होंगे तो यही सब चीजें आपको जो है गायब लगेंगी। तो लिख रहा उद्योगों का स्थानीकरण कई प्रकार के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। करा इसमें कच्चे माल की उपलब्धता है, जैसे अभी बात बताओ, जैसे अगर मैं कह दूं कि लौ इस्पात उद्योग कहीं पर है, अब लौ इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में कोयले की बड़ी जरूरत पड़ती है। और कोयला आप सभी को पता है, पढ़ाया गया आप सभी को कि कोयला कहां मिलता है, या तो दक्षिण भारत में जाओ थोड़े बहुत मात्रा मिल जाता है, या तो आप जो है आप सबसे मिडिल ईस्ट वाला जो बेल्ट है वहां पे आ जाओ, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के उस वाले सेक्टर में जाओ जिसका नाम है छोटा नागपुर, ठीक है। उस छोटा नागपुर में एक बहुत बड़ा बेल्ट है जिसमें कोयले का खनन खूब होता है, खूब ज्यादा मात्रा में होता है। तो वहीं पर कोई अगर ये इंडस्ट्रियां वहां रहेंगी जहां पर ये हो सकते हैं, जहां पर कोयला अवेलेबल होगा, तब तो बहुत अच्छी बात है। अरे बगल से कोयला मिल गया, हां तो आराम से हो सकती है। अब इंडस्ट्री को भेज दोगे अगर राजस्थान में, तो राजस्थान में तो कोयला है नहीं, या भेज दे उठा के जम्मू कश्मीर में, पंजाब में। तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल कोयला होता है, तो कोयले की उपलब्धता जहां ज्यादा होगी वहीं पर इंडस्ट्री लगेगी। गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, आप बताओ? गलत कह रहा हूं कि सही कर रहा हूं? सिंपल सी बात है। तो लिख रहा है कच्चे माल की उपलब्धता, तो ये उद्योगों के स्थानीकरण के लिए जरूरी कारक है। दूसरा लिख रहा है शक्ति, शक्ति माने
या अगर कच्चा माल शक्ति है, जैसे कोयला क्या है, शक्ति का एक रूप है, शक्ति माने बिजली आप कर सकते हो जहां पर यह भी अवेलेबल हो, है कि नहीं। तीसरा लिख रहा है परिवहन के साधन। भाई अगर आप उद्योग बनाओगे तो आने जाने का रास्ता चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है वो वहां सही है कि नहीं। पता चला पहाड़ के ऊपर ले जाके बना दिए, क्या करोगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करोगे, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आने जाने का वहां रास्ता है कि नहीं है। कह रहा है कि सस्ता व कुशल श्रम। भाई उद्योग बनाओगे तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी तो लोग जिस स्थान पर आप जा रहे हो उद्योग बनाने वहां पे लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, या उसके आसपास में कोई ऐसा बाजार हो, कोई ऐसा बस्ती हो, कोई जगह हो जहां पर लोग निवास करते हो, जिनको काम की जरूरत हो वो आकर के फैक्ट्री में काम करेंगे। तो कह रहा कि सस्ता और कुशल श्रम। सस्ता माने कम दाम पर, कुशल माने स्किल्ड लोग मिले आपको, ठीक है। पूंजी की जरूरत पड़ेगी, वो तो आपको चाहिए भाई, कैपिटल के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की जरूरत भी पड़ेगी आपको, नहीं पड़ेगी, बिना टेक्नोलॉजी के कौन सा काम करोगे, वो भी आज के जमाने में जरूरत पड़ेगी। करा सरकार की नीति आदि भी इस पर मायने रखती है। तो ये सभी कारक हैं जो उद्योगों के स्थानीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। करा परंतु ये सभी कारक किसी न किसी एक स्थान पर उपलब्ध हो नहीं सकते। भाई सब कुछ क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने सोचा सब आपके लिए आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता रहता है। कारण ना ही औद्योगिक स्थानीकरण पर उनका समान प्रभाव पड़ता है। तो सरकार की तरफ से क्या किया जाता है ना, बहुत सारे ऐसे जगह बनाए जाते हैं, आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि सरकार पूरी व्यवस्था बना के देती, का हम तुमको दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बढ़िया आने जाने की सुविधा दे रहे हैं, आप आओ यहां कंपनी लगाओ, यहां फैक्ट्री लगाओ। ऐसा होता है ना, हर राज्य एक समिट कराते हैं, आप सभी को पता होगा, बुलाते हैं विदेशों से कंपनी, बुलाते हैं, उत्तर प्रदेश भी कराता, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हर लोग कराते हैं इस तरह के समिट। भाई आप हमारे यहां आओ, हमारे यहां आकर के कंपनी लगाओ, ऐसा करते हैं समिट में, ठीक है। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको फायदा होगा, भाई उनके राज्य में अगर कंपनियां आएंगी, कंपनी लगेंगी तो फायदा तो होगा ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि उद्योगों का स्थानीकरण कई प्रकार के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, यहां देखो, कह रहा है इस परिप्रेक्ष्य में अल्फ्रेड वेबर, अच्छा इनकी बात भी कर लेते हैं। अल्फ्रेड वेबर ने कोई खास बातें नहीं बताई, बस ये तो है कि किताबों में इनके नाम का वर्णन मिलता है। जो अभी बातें मैंने आपसे कहा ना कि भाई आपको अगर लौह इस्पात कारखाना लगाना हो, आप झारखंड में प्रीफर करोगे कि हरियाणा प्रीफर करोगे, आप पहले बताओ आप क्या करोगे। ये वेबर ओबर का छोड़ो, और ज्योग्राफी किताब में क्या दिया वो भी छोड़ो, आप कहां प्रीफर करोगे? सर जहां कच्चे माल की उपलब्धता होगी सर वहीं करेंगे, ठीक है। बस यही बात वेबर ने बता दिया, अपने भाषा में बोल दिया। सुनो देखो, करा इस परिप्रेक्ष्य में अल्फ्रेड वेबर जो कि जर्मन के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है, 1909 में इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम है न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। क्या? न्यूनतम परिवहन लागत। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? न्यूनतम माने कम से कम, परिवहन माने ट्रांसपोर्टेशन, लागत माने कास्ट, ठीक है। एक बात बताओ, कच्चा माल अगर मिलेगा झारखंड में, कंपनी झारखंड में लगाओगे तो आना जाना कम पड़ेगा। भाई बगल से आप कोयला लिए, कंपनी में पहुंचा दिए, फटाफट प्रोडक्शन हो गया। आप जाओगे हरियाणा में तो कोयला लाद करके कहां मंगाओगे? हरियाणा मंगाओगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी कि नहीं आएगी? भाई ये कोई चीज यहां से कोयला लेकर के, कोई ट्रक से, ट्रेन से, आप जैसे भी लेके जाओगे तो खर्चे आएंगे कि नहीं? खर्चे आएंगे तो खर्चा कैसे पूरा होगा? यानी आप महंगे दामों पर सामान को बनाएंगे, क्या आपका सामान भारतीय बाजार में बिक पाएगा? कभी नहीं बिक पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? अरे क्या सिद्धांत, इसको कहते हैं सिद्धांत कहते हैं इधर, अरे वही बात मैं आपको बताया करें, सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कर न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, ठीक है। ये किताबों की बात है, बड़ी कठिन कठिन बातें, समझ में आ गया ना। चलो आगे देखो, करा कि उनके अनुसार माल के भार, राशि या अशुद्ध होने पर उनका स्थानीकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में होता है। अच्छा इन्होंने दो शब्दों का और इस्तेमाल किया, भाई इन्होंने कहा समान दो टाइप का हो सकता है। भागो मत यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो मेरी बात। सच में अगर ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो स्टडी 91 से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके मन में ईमानदारी नहीं होगी तो फिर 2-3-4 मिनट देख के भग जाओगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, यहां पर अल्फ्रेड वेबर ने कहा कि दो तरह के उद्योग होते हैं। एक उद्योग वो होता है जिसमें भार ह्रास नहीं होता है, भार धन ह्रास। ह्रास माने तो क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन, कमी। ह्रास माने क्या? कमी, यानी भार में कमी। एक होता है भार में कोई प्रभाव न पड़ना। दो तरह के उद्योग होते हैं, दोनों की चर्चा भी मैं आगे करता हूं, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। करा जैसे कच्चा माल अगर सर्वसुलभ हो, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी कोई ऐसा काम करे जैसे हमारे लिए इंटरनेट, ऐसा नहीं ना कि हमारे लिए इंटरनेट केवल झारखंड में मिलेगा,
हाँ भाई, कहीं भी जहाँ शहर होगा वहाँ इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ शहर होगा वहाँ बिजली भी अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारे लिए ये इंटरनेट और बिजली जो जो हमें चाहिए ये सर्वसुलभ है, मतलब बहुत जगहों पर अवेलेबल है कि नहीं। तो कह रहा है कि जब कच्चा माल सर्वसुलभ हो तो उद्योगों का स्थानीकरण बाजार के समीप होता है, जहाँ पे बाजार होता है उसके निकट होता है। सही बात है। अगर दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल में आपसे बात करूँ कि जूट या कागज या चीनी उद्योग की बात करूँ, तो जहाँ पर ये सर्वसुलभ होते हैं, जहाँ पर इनका मार्केट होता है, वहीं पर जो है ये फैक्ट्रियाँ आसपास में लगा दी जाती हैं। ठीक है, करा जैसे जैसे मिट्टी के बर्तन, एक सेकेंड, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग वगैरह, कच्चा माल शुद्ध होने अर्थात भार ह्रास न होने या असनियता की उपस्थिति में उद्योगों का स्थानीकरण कच्चे माल के क्षेत्र में बाजार से मध्य कहीं भी हो सकता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, पहले पढ़ लें फिर पढ़ाते हैं यार। करा एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के लिए वेबर ने अवस्थिति त्रिकोण द्वारा अपनी औद्योगिक स्थानीकरण का प्रारूप दिया, एक त्रिभुज बना के मैं प्रारूप समझाया था। ठीक है, वो त्रिभुज एक्चुअली मुझे कहीं नेट पे मिला नहीं, इस वजह से मैं बनाया नहीं, फिर आपको समझा देता हूँ। करा उदाहरण के लौह इस्पात उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल लौह अयस्क और कोयला है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर कोयला एल्युमिनियम है, कोयला है। एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट और विद्युत है। यद्यपि इन उद्योगों के में अन्य कच्चे माल भी होते हैं, परंतु उनके स्थानीकरण का प्रारूप इन्हीं दो कच्चे मालों के आधार पर निर्भर होता है। सुनो ध्यान से, इनका कहना ये है, इनका कहना ये है कि जैसे मान लो अगर आपको लौह इस्पात उद्योग बनाना है, कारखाना बनाना है, तो दोस्तों याद रखिए उसके लिए कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लो आपको कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको सीमेंट उद्योग लगाना है, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो सीमेंट के लिए चूना पत्थर की जरूरत पड़ेगी, हाँ, और कोयला की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं, तो एल्युमिनियम किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट का अयस्क होता है, तो जहां पर बॉक्साइट के खान वगैरह होंगी और विद्युत, ये दो चीजें चाहिए। ठीक है, उसी तरह से ये कुछ देखो, बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है ना, फैक्ट्रियों में क्या होता है कि कच्चा माल क्या है, कच्चा माल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या दो से अधिक चीजें भी हमारे लिए कच्चा माल हो सकती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए लाइट जरूरी और इंटरनेट सबसे ज्यादा जरूरी, ये दो चीजें एकदम मस्ट है। और तीसरी चीज भी मस्ट है कि हमारे यहाँ लेबर भी लोग हों, हमारे यहाँ जो है काम करने वाले लोग भी हों, हमारे यहाँ स्किल्ड लोग भी हों, हमारे यहाँ कंटेंट राइटर वाले लोग भी हों, हमारे यहाँ जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग भी होने चाहिए, सब होने चाहिए ना। हमारे यहाँ जो है थंबनेल बनाने के लिए कोई डिजाइनर भी होना चाहिए, तो ये सबकी जरूरत है। क्या सब हमारे लिए कच्चा माल है, क्या सब हमारे लिए रॉ मटेरियल है? हाँ, जो एक होता है जिसकी बिना आपका काम रुक जाएगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यहां पर जो दो दो तीन तीन चीजें दी जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना उनका काम रुक जाएगा। तो जब काम रुक जाएगा और वो कहीं बाहर मिलेगा भी नहीं, तो जहां अवेलेबल होगा वहीं उसी लेवल पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सभी जो उद्योग हैं ये उसी क्षेत्र में विकसित होते हैं जहां पर कच्चे माल की अधिकता होती है या अवेलेबिलिटी होती है। अधिकता से मतलब नहीं, अवेलेबिलिटी, कहां पर वो अवेलेबल है। ठीक है, आगे लिख रहा, अतः वेबर ने एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को दो वर्गों में रखा है, एक भार ह्रासी उद्योग, एक है भार ह्रास नहीं होता है, मतलब भार में कमी होना या भार में कमी न होना। सुनो ध्यान से, करा प्रथम त्रिभुजाकार जो मॉडल है उसके अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो सभी आते हैं। भारत के जमशेदपुर की बात कर लें, जमशेदपुर टाटा का नाम सुना होगा आपने, झारखंड में है। ठीक है, उसी तरह से जर्मनी के अगर मैं एसएन की बात कर लूं, एसएन एक जगह का नाम है, जैसे भारत में झारखंड में जमशेदपुर है, उसी तरह जर्मनी में एसएन एक जगह है, वहां पर भी लौह इस्पात कारखाने हैं बहुत सारे, तो याद रखिएगा। कर वहां पर लोहा उद्योग के स्थानीकरण को इसी प्रारूप में समझा जा सकता है। इसके अलावा भारत के विशाखापत्तनम की बात करें, तो विशाखापत्तनम के आसपास भी इस तरह के बहुत सारे लौह इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कच्चा माल मंगाना, फिर कच्चे माल का भेजना भी तो है, परिवहन भी तो करना है। तो विशाखापत्तनम में क्या है कि प्राकृतिक बंदरगाह है, वहां से माल को और देशों के लिए निर्यात कर दिया जाए। जापान हमसे बहुत ज्यादा लोहा खरीदता है, आपको पता होगा, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये सब बहुत ज्यादा लोहे हमसे परचेज करते हैं भारत से। तो याद रखिए, इसीलिए जो है यहां पर परिवहन लागत न्यूनतम होती है। कर द्वितीय त्रिभुजाकार मॉडल के अंतर्गत वैसे उद्योग आते हैं जिनके लिए कच्चे माल का भार ह्रास नहीं होता है, जिनका भार ह्रास नहीं होता है, जहां पर बाजार अधिक महत्व रखता है। भाई कुछ चीजें हैं जहां पर इंडस्ट्री महत्व रखता है, जैसे अगर मैं बात करूं, दूध का उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, दूध का, ये बताओ दूध का उत्पादन कहां करोगे? पता चला एकदम पहाड़ी एरिया में जाकर दूध बना रहे हो, वहां से लाने में हालत खराब हो गया। हाँ, तो बाजार के निकट आपको रहना पड़ेगा। क्यों भाई? दूध तो दो दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा ना, तो ऐसे में दूध का जो उद्योग होगा वो बाजार के निकट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे उद्योग हैं जिनको बाजार के निकट जो है स्थापित किया जाता है।
है। लिख रहा है कि वेबर ने बताया कि यदि किसी क्षेत्र में श्रम अधिक सस्ता हो। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर मान लीजिए कहीं लेबर खूब मिल रहे हो, खूब लेबर मिल रहे हो। भाई लेबर कैसे खूब मिलेंगे? अगर लोगों को बेरोजगारी वैसे भी बढ़ रही भारत में, अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोग कम दाम पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। भैया काम दे दो तो पैसा कम हमको दे देना, ठीक है। तो याद रखे अगर सस्ते जो है श्रम मिल जाए तो याद रखें वहां पर न्यूनतम परिवहन लागत केंद्र, वहां उद्योग स्थानांतरण हो सकता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पर ज्यादा श्रम की जरूरत पड़ती है, जहां पर मशीनें कम होती है लेकिन श्रम ज्यादा चाहिए होता है, मतलब व्यक्तियों के द्वारा ज्यादा काम किए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कच्चा माल किसी स्पेशल जगह पर आप जाते हो तो वहां कच्चा माल है लेकिन वहां पर श्रम महंगा है, और एक ऐसा स्थान है जहां पर श्रम सस्ता है कच्चा माल थोड़ा महंगा है, तो कैलकुलेशन कर लो ना यार। वेबर क्या कर रहे हैं, छोड़ो यार। एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपसे दो कंडीशन दे रहा हूं। एक तो ऐसा जगह जहां कच्चा माल सस्ता है लेकिन लेबर वहां मिल नहीं रहे, बिना लेबर के आपका काम नहीं हो रहा, लेबर बहुत मांगे हैं, ठीक है, एक तो ऐसा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यह है कि एक ऐसी जगह है जहां लेबर ही सस्ते हैं, जहां लेबर सस्ते हैं और वहां पर क्या है कच्चा माल थोड़ा सा मेहनत लगता है बनाने में, वो थोड़ा महंगा पड़ता है हमको, तो आप कैलकुलेशन कर लो आपको जहां सस्ता पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कच्चे माल में जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, लेबर में कम हो रहा हो, तो फिर आपका पैसा बच जाएगा, यहां से पैसा बच जाएगा। तो आप जो है जहां पर कुशल श्रम सस्ते श्रम हो वहां पर आप अपनी फैक्ट्री डाल दो, वहां पर आपको फायदा हो जाएगा। तो वेबर ने ही बताया यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप क्या करते आप बताओ ना, आप क्या करते, आप भी तो यही करते, तो बात को समझो, ठीक है। करा उदाहरण के लिए, करा दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है अल्बान, अल्बान राज्य में सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र है, उसका विकास हुआ, तो सभी याद रखेगा। इसी तरह से भारत में चमड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, वो जहां सस्ते श्रम है वहीं पर उनको स्थापित कर लिया गया, बना लिया गया। करा वेबर ने समूहीकरण के प्रभाव से भी लागत की कमी की संभावना बताई है। उनके अनुसार छोटे उद्योग या फिर फुटलूज उद्योग की स्थापना में कभी कभी अनेक कारकों का प्रभाव भी पड़ता है, चूंकि ये उद्योग अपने विकास के लिए संरचनात्मक सुविधाओं में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते, अतः ये समूहीकरण के क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। नहीं समझे ना, सुनो, हम मान रहे हैं कि चलो कोई एक छोटा उद्योग है, ठीक है, कोई एक छोटी इंडस्ट्री है, तो अभी होता क्या है कि एक छोटी इंडस्ट्री इसके बाद बहुत कम पैसा था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकती, चलो रोड बनवा दे रहे हैं, यहीं पर बैंक का बनवा जो है सब के लिए जगह बना दे रहे हैं, यहीं पर जो है फैक्ट्री बना दे रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ कर दे रहे हैं। सब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आधारभूत संरचना बनाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अगर कंपनी छोटी है बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो ऐसे में क्या करोगे, किसी ऐसे जगह पर चल जाओ जहाँ पर इस तरह की आधारभूत संरचनाएँ बनी बनाई मिल जाए, है कि नहीं, कोई गलत कर रहा हूँ तो बताओ, आप क्या करोगे बताओ। अगर आपको आपकी कंपनी अगर किसी छोटे शहर में नहीं चल पा रही है तो आप नोएडा वगैरह में चले जाओ, वहां पे क्या है कि आधारभूत संरचना आपको बेहतर मिल जाएगी, वहां पे आपकी कंपनी के लिए काम करने के लिए सस्ते श्रम मिल जाएंगे, कुशल श्रम मिल जाएंगे, जो है परिवहन के साधन मिल जाएंगे और बैंकिंग की सुविधाएं मिल जाएंगी और बीमा कंपनियां ढेर सारी मिल जाएंगी, मतलब हर तरह की सुविधा वहां पे है, तो आप जाकर के काम कर सकते हो। बस सिंपल सी बात है, वही चीजें दे रहा है यहां पर, उसी को बोलते हैं समूहीकरण। क्या बोलते हैं? समूहीकरण, मतलब जहां ढेर सारे लोग हैं ना वहां भी आप गए, अपना फायदा देखकर वहीं पर आप स्थापित कर लिए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल सुनना ध्यान से दोस्तों, क्या है ना, एक आपको किताब बनाने वाली एक जो है फैक्ट्री डालनी है जहां से आप बुक प्रिंटिंग का काम करते हो। अच्छा, ये बुक प्रिंटिंग कहां करोगे? खास करके ऐसे जगह जहां पर ढेर सारे विद्यालय हो, ठीक है, या जहां पर जो है बुक मार्केट हो, ठीक है, वहां पर आपके लिए डालना आसान होगा, या चले गए जैसलमेर में डाल के चले आए, क्या करेंगे जैसलमेर में बुक की फैक्ट्री डाल के क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर में डाल के चले आए बुक की फैक्ट्री क्या करेंगे जम्मू कश्मीर में, बताइए। आपको किसी ऐसे स्थान पर ही फैक्ट्री डालनी पड़ेगी जहां पर जो है बाजार इसके लिए निकट हो, जहां पर समूहीकरण हो, जहां पर आप इसका फायदा उठा सके। यही तो समझना है यार आपको, ठीक है। चलिए करा, इससे क्या होता है कि वे एक ही आधारभूत संरचना, अच्छा अगर आप नोएडा चले गए तो लिख रहा है इससे एक ही आधारभूत संरचना तथा एक दूसरे के उपोत्पादों, उपोत्पादों मतलब उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट का लाभ उठा करके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रति इकाई लागत को कम कर सकते हैं। करा विभिन्न औद्योगिक संकुलों के विकास को भी समूहीकरण के प्रभाव के अंतर्गत समझा जा सकता है। चलो एक नया टेंशन, औद्योगिक संकुल क्या होता है, बहुत कठिन शब्द आ गया सर। औद्योगिक स्थानीकरण तो सर समझ में आ गया, लेकिन औद्योगिक
संकुल क्या होता है इसको भी हम लोग जो है समझ लेते हैं। लिख रहा है औद्योगिक प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लगे रहते हैं, परंतु ये उद्योग धंधे आपस में जुड़े भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। देखिए जो भी औद्योगिक प्रदेश होते हैं भारत में, जब भी आपको पढ़ाऊंगा ना उद्योगों के बारे में तो मैं बताऊंगा औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक संकुल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक संकुल दो होते हैं क्या? हाँ दो होते हैं। सुनो ध्यान से, औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो एक ये होता है ना कि औद्योगिक प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना उद्योग लगा लिया, चाहे वो उद्योग उससे जो है मैच करता हो या ना करता हो, कोई भी गया वहां पे लगा लिया। कोई जरूरी नहीं कि सभी उद्योग आपस में जुड़े हों, भाई कुछ जुड़े भी होते हैं कुछ नहीं भी जुड़े होते हैं। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं जमशेदपुर की बात कर लूँ तो जमशेदपुर में बहुत सारे लौह इस्पात कारखाने हैं, और पता है उस लौह इस्पात कारखाने के आसपास छोटी मोटी जनजाति समूह भी रहते हैं, जनजाति समूह जो वहाँ पे लेबर वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। और उनके परिवार के द्वारा बीड़ी बनाई जाती, क्या बनाई जाती? बीड़ी बनाई जाती, ठीक है। एक बात बताओ, लौह इस्पात कारखाना बीड़ी में क्या कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन है नहीं, बनता है तो बनता है, कोई रिलेशन है नहीं। तो इसका मतलब औद्योगिक प्रदेश है। जरूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट में सिमिलरिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों तरह की चीजें, ठीक है। तो ये होता है औद्योगिक प्रदेश। लेकिन जब हम बात करते हैं औद्योगिक संकुल का, तो याद रखिए इसमें एक चेन साइकिल में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक चेन साइकिल में लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बात को समझो, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर कहीं पर मोमबत्ती बनाने का कारखाना है, तो एक जगह पर मोम बन रही है, दूसरे जगह पर एक रस्सी बनाने का कारखाना हो गया, तो रस्सी वाला रस्सी दे दिया, मोम वाला मोम दे दिया, मोमबत्ती बन गया, ठीक है। तो याद रखिए, तो इस तरह से एक फायदा आता है, मतलब बाई प्रोडक्ट जो होता है या फिर ढेर सारे प्रोडक्ट मिलकर के बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है तो एक पास आकर के स्थापित हो जाते हैं, उसको कहा जाता है औद्योगिक संकुल। समझ में आ रहा है? करा औद्योगिक संकुल में प्रायः सभी उद्योग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके विकास का आधार ही समूहीकरण के प्रभाव से परस्पर लाभ उठाना होता है। भाई ये इसीलिए गए होते हैं कि हमको वहां पे लाभ मिल जाएगा, ठीक है। ये समान आधारभूत संरचना में एक दूसरे के उत्पादों का लाभ उठाकर विकसित होते हैं। इतनी बातें आज मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, तो आप सभी परेशान भी हो गए। परेशान मत होइए, आराम से पढ़ाई करिए और आराम से जो है तैयारी करते चलिए। आज थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। उद्योग का आज बेसिक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसके बाद आज थोड़ा सा चैप्टर बड़ा इसलिए भी हो गया क्योंकि थोड़ा डिटेल में आपसे बातचीत करना था। अगले चैप्टर में क्या होगा, छोटा छोटा टॉपिक है और मुझे लगता है बहुत जल्द ही आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का एक आखिरी चैप्टर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, उसके बारे में पढ़े जाएगा। उसके बाद ये इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने वाला है, खुशी मनाइए और आराम से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।